विधानसभा चुनाव से ठीक पहले झारखंड की राजनीति बदल गई है और इसके सूत्रधार बने हैं झारखंड के सातवें मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, जिन्होंने घोषणा कर दी है कि 30 अगस्त को झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ उनका रिश्ता खत्म हो जाएगा और वो बीजेपी का दामन थाम लेंगे। आपको बताऊं कि जिस तरीके से शिबू सोरेन के सबसे विश्वस्त सिपा सलाहकार एक समय कहे जाने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा से उनका मोह भंग हुआ और बीजेपी से नए राजनीतिक अध्याय शुरू करने के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, ये हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको इस खबर की टाइमलाइन को समझाते हैं। बीजेपी में कैसे चंपई सोरेन जो है वो शामिल हो, इसको लेकर किस तरीके से रणनीति बनाई गई, ये जरा आप इस टाइमलाइन से समझिए। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व उन्हें पार्टी ज्वाइन कराने की इच्छुक थी। हिमंता बिस्वा शर्मा को चंपई से बातचीत का जिम्मा दिया गया। हिमंता बिस्वा शर्मा गुवाहाटी से दो दिन के लिए रांची गए और रांची में बाबूलाल मरांडी, चंपई सोरेन और हिमंता के बीच बातचीत हुई। उसके बाद सोमवार को दिल्ली में भी चंपई और हिमंता बिस्वा शर्मा की बातचीत हुई। अमित शाह से मुलाकात के बाद बीजेपी में शामिल होने का आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया गया। कोल्हान में चंपई के पसंद के आदिवासी चेहरे को टिकट का वादा किया गया है। झारखंड में चंपई बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान का प्रमुख चेहरा होंगे। बीजेपी की मुस्लिम और आदिवासी वोटरों को लुभाने की यह रणनीति का हिस्सा है और इसी हिस्से के तहत बीजेपी ने झारखंड के सातवें मुख्यमंत्री रहे चंपई सोरेन को अपने पाले में लाने में सफलता प्राप्त की है। तो किस तरीके से बीजेपी यहां पर चंपई सोरेन को ला पाई है, ये तो हमने आपको समझाया। लेकिन इससे भी अहम यह है कि 26 अगस्त को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जब अपने एक्स हैंडल पर एक तस्वीर डालते हैं, जिस तस्वीर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और खुद हिमंता बिस्वा शर्मा नजर आते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने साफ कर दिया कि अब चंपई सोरेन का नया राजनीतिक पड़ाव बीजेपी होगा। हालांकि जब उन्होंने जेएमएम से इस्तीफा दिया था तो उसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि अपनी नई पार्टी बनाएंगे चंपई या बीजेपी में जाएंगे, लेकिन एक्स पर इस पोस्ट ने सारी कहानी को स्पष्ट कर दिया। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले झारखंड की राजनीति में बड़ा ट्विस्ट आ गया है और यह ट्विस्ट लाया है झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने। जी हां, आप सभी को पता है कि चंपई सोरेन अब बीजेपी का हाथ थामेंगे, यानी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे और 30 अगस्त को वो विधिवत बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि चंपई सोरेन जेएमएम में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले दिशोम गुरु यानी शिबू सोरेन के सबसे खास सिपह सलार, आखिर ऐसा क्या हो गया कि चंपई सोरेन, जिन्हें झारखंड का कोल्हान का टाइगर भी कहा जाता है, उनका मोह भंग हो गया अपनी पार्टी से, जिस दिशोम गुरु को वो अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं, आखिर क्या हुआ कि अब उनसे उनका मोह भंग हो गया और अब वो उनके बेटे यानी शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन के खिलाफ बीजेपी में बैठकर राजनीति करेंगे। इसके पीछे के मायने क्या हैं, इसका मकसद क्या है, आने वाले समय में झारखंड की राजनीति में इसका क्या असर होगा और झारखंड विधानसभा चुनाव में चंपई सोरेन का बीजेपी में शामिल होना बीजेपी को कितना फायदा पहुंचा सकता है और जेएमएम को कितना नुकसान हो सकता है, इन तमाम बातों की आज हम पड़ताल करेंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि शिबू सोरेन के सबसे भरोसेमंद, सबसे विश्वस्त, सबसे खास सिपा सलाहकार को आखिर किस बात की इतनी नाराजगी हो गई कि जिस दुश्मन गुरु ने हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद उन पर भरोसा करते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी, राज्य के सत्ता की बागडोर दी, आखिर इन 5 महीने में ऐसा क्या हो गया कि दशकों के भरोसे पर बगावत भारी पड़ गई। शिशोम गुरु यानी शिबू सोरेन के सबसे विश्वस्त सिपह सालार चंपई सोरेन ने आखिर यह फैसला क्यों लिया, क्यों वो विरोधी पार्टी यानी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं,
उनकी नाराजगी की वजह क्या है, उनके दुख की वजह क्या है, इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, आज इन तमाम बातों से इंडिया न्यूज की टीम पर्दा हटाएगी। आखिर क्या हो गया कि जिस चंपाई सोरेन को जब हेमंत सोरेन जेल गए, 5 महीने जेल में रहे, उस दरमियान उन्हें सत्ता की बागडोर सौंपी गई, उन पर विश्वास किया गया, लेकिन इस विश्वास का उन्होंने इस तरीके से जवाब दिया कि आज उन्होंने जेएमएम ही छोड़ दी है और वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आखिर इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, ये सारे लोग जानना चाहते हैं कि जिस दिशोम गुरु को चंपाई सोरेन अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं, आज तक किसी दूसरी पार्टी का उन्होंने दामन नहीं थामा, आखिर इन 5 महीनों में ऐसा क्या हो गया। और खास तौर पर जब जेल से हेमंत सोरेन की वापसी होती है और एक बार फिर से वो प्रदेश की सत्ता को संभालते हैं, एक बार फिर से हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बनते हैं, तब लोगों को लग रहा था कि एक बार फिर से चंपाई सोरेन उनकी मदद करेंगे, उनके हर फैसले में उनका साथ देंगे, लेकिन क्या हो गया कि चंपाई सोरेन ने इतना बड़ा फैसला ले लिया। तो इनसाइड स्टोरी इसके पीछे की क्या है, वो भी हम आपको एक एक कर बताते हैं। दरअसल इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी है कि चंपाई सोरेन बतौर मुख्यमंत्री अपना काम आगे बढ़ा रहे थे और रिहान में झारखंड विधानसभा का चुनाव, जिसमें पार्टी के बेहतर प्रदर्शन की भी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। फिर आता है 28 जून की वो तारीख जब हेमंत सोरेन बेल पर जेल से बाहर आते हैं, लेकिन जेल से आने के बाद हेमंत सोरेन बदले बदले नजर आते हैं और इस बात का अंदेशा मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को भी हो जाता है। चंपाई सोरेन खुद को तैयार करते हैं और वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, लेकिन इस बीच एक ऐसी घटना घटती है जिससे उनके भीतर इस बात को लेकर बुलबुलाहट उठ जाती है कि इतने साल का भरोसा जो उन्होंने पार्टी को दिया, इतने साल जो मेहनत उन्होंने पार्टी की लिखिया, उसको किस तरीके से अमलीजामा पहनाया जाए। दरअसल बतौर सीएम चंपाई सोरेन के कई सरकारी कार्यक्रम प्रस्तावित थे और उन्हें अचानक रद्द कर दिया जाता है। फिर हेमंत सोरेन महागठबंधन और पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करते हैं, जिसमें चंपाई सोरेन को बुलाया जाता है और आदेश दिया जाता है कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दे। तो झारखंड की राजनीति में अचानक ट्विस्ट पर ट्विस्ट आते जा रहे हैं और चंपाई सोरेन क्यों बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, इसकी इनसाइड स्टोरी इंडिया न्यूज लगातार आपको पूरे तथ्यों के साथ बता रहा है। हेमंत सोरेन जेल से बाहर आते हैं, समर्थकों में काफी उत्साह रहता है और आने के बाद उनकी बॉडी लैंग्वेज से लेकर उनके राजनीति करने का जो एक जो स्टाइल रही है, उसमें थोड़ा बदलाव जरूर आता है, वो लोकप्रिय होते हैं जनता में। चंपाई सोरेन पहले से भी कह रहे हैं कि जैसे ही हेमंत सोरेन आएंगे वो अपनी सत्ता संभाल सकते हैं, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा बुरा कब लगता है, क्योंकि बाकायदा एक पत्र जारी कर उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है कि उनका मोह भंग जेएमएम से और खास तौर पर हेमंत सोरेन से क्यों हुआ, इसका बाकायदा उन्होंने एक पत्र में जिक्र भी किया है। सबसे बड़ा झटका उन्हें तब लगता है जब मुख्यमंत्री रहते हुए उनके सभी सरकारी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया जाता है और इसकी जानकारी तक उनको नहीं दी जाती है, और ये सारी चीज़ें होती हैं हेमंत सोरेन के कहने पर। ये बात उनको कहीं ना कहीं अंदर से टीस दे जाती है कि जिस मुख्यमंत्री पद को वो खुद छोड़ना चाहते हैं, अपनी स्वेच्छा से उसका वो परित्याग करना चाहते हैं, आखिर हेमंत सोरेन को इतनी जल्दी क्या थी कि उनके सारे फैसलों को वो पलट रहे हैं और सारे कार्यक्रमों में जाने से रोक लगा दे रहे हैं। ये सबसे बड़ा गहरा झटका चंपाई सोरेन को लगता है। फिर उसके बाद सरकारी कार्यक्रम में ही जाना था उन्हें, लेकिन अचानक उन्हें एक फरमान मिलता है और फरमान होता है हेमंत सोरेन का। हेमंत सोरेन ने विधायक दल की बैठक बुला ली और विधायक दल की बैठक में जब चंपाई सोरेन पहुंचते हैं तो वहां उनसे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा की बात कही जाती है, उन्हें आदेश दिया जाता है कि आप मुख्यमंत्री के पद को छोड़ दें। ये दूसरा झटका लगता है चंपाई सोरेन को। उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस पद का परित्याग करने के लिए मैं खुद तैयार था, आपने मुझे 5 महीने की जिम्मेदारी दी और इसमें मैंने आपके विश्वास
पर मैं खरा उतरा, तो आखिर आपको इतनी जल्दी क्या थी? और ये बात आप अकेले में भी कह सकते थे, यहाँ पर विधायकों के बीच ये बात कहने की आखिर क्या जरूरत आ पड़ी? इसे वो अपने अपमान से जोड़ लेते हैं और उनका धीरे धीरे पार्टी से मोह भंग होने लगता है। उसके बाद देखिए कि फिर झारखंड की राजनीति में ट्विस्ट आता है, चंपाई सोरेन इस्तीफा दे देते हैं, और तब तक सारी चीज़ें लोगों को सामान्य लग रही हैं, इसलिए कि चंपाई सोरेन कहीं अपनी बात अपनी व्यथा नहीं रख रहे हैं। लेकिन उसके बाद उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया जाता है, उन पर कई सारे मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी जाती है, और ये बात उन्हें काफ़ी नागवार गुजरती है, क्योंकि एक जानकारी मैं आपको दे दूँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा के उपाध्यक्ष भी हैं चंपाई सोरेन, और उन्हें फिर लगता है क्योंकि राज्य में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और उसमें उनकी जिम्मेदारी होगी, तो वो सोचते हैं कि हो सकता है कि अब मुझे संगठन और पार्टी की जिम्मेदारी ही निभानी पड़े। लेकिन वहाँ भी देखिए किस तरीके से उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाता है, और कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाना ये कोई उनके लिए सम्मान की बात नहीं बल्कि अपमान की बात है, क्योंकि कल तक वो सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके थे और फिर उनको अगर मंत्री बनाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि कोई भी व्यक्ति अपना डिमोशन बिल्कुल नहीं चाहेगा, और ये कुछ एक ऐसी बातें हैं जो धीरे धीरे उनके मन को कचोटने लगती हैं। लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं झारखंड में, जो जेएमएम के अंदर हमारे विश्वस्त सोर्सेज हैं, उनका कहना है कि इससे भी वो इतने मान अपमान को सहने के बावजूद जो चंपाई सोरेन हैं वो पार्टी में रहना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब उन्हें पार्टी में भी जो नई पीढ़ी के जो नेता हैं उनसे चुनौतियां मिलने लगीं, उनसे कहीं ना कहीं वो अपमानित महसूस करने लगे, और उनका कहना है, वो डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं लेकिन इनडायरेक्टली, या जो उनके बहुत ही ख़ास चंपाई सोरेन के लोग हैं उनसे हमें ये जानकारी मिली कि चंपाई सोरेन ने यहाँ तक कहा कि अब पार्टी में भी उनके फैसलों को पलटा जा रहा था, जो नई पीढ़ी के लोग आए हैं वो उन पर सवाल उठा रहे थे, और ये सारी चीज़ें हो रही थी हेमंत सोरेन के इशारे पर, और ये बातें नागवार गुजरने लगी चंपाई सोरेन को। अब बात आती है कि आखिर इन सारे मामलों को लेकर दिशोम गुरु, पार्टी के सर्वे सर्वा चंपाई सोरेन के राजनीतिक गुरु दिशोम गुरु यानी शिबू सोरेन ने चुप्पी क्यों साध रखी है? तो शिबू सोरेन लंबे समय से बीमार चल रहे हैं और राजनीति में, सक्रिय राजनीति में अब उनकी दिलचस्पी भी नहीं रह गई है, और अब उनकी मजबूरी भी है स्वास्थ्य कारणों की वजह से, अब पार्टी के फैसलों पर वो ज़्यादा कुछ देखते बोलते नहीं हैं, लेकिन सारी चीज़ों की जानकारी उन तक पहुँच रही है, लेकिन वो असमर्थ हैं, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो पार्टी में भी अपमान, सरकार में भी अपमान, इसने कहीं ना कहीं चंपाई सोरेन को अंदर से हिला कर रख दिया, और पशुपेश में वो थे कि क्या करें क्या नहीं करें, और उसके आगे की जो कहानी है थोड़े देर बाद हम आपको बताएंगे। दशकों के भरोसे पर बगावत की इनसाइड स्टोरी है, और इस इनसाइड स्टोरी की पटकथा चंपाई सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही लिखनी शुरू हो गई थी, और इसके लिए हम आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहेंगे। दरअसल 31 जनवरी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन पर कार्रवाई शुरू की, और इसके बाद हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा, और पार्टी के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया कि भरोसा किस पर किया जाए। पहले कल्पना सोरेन का नाम आता है, लेकिन उस पर विवाद भी शुरू हो जाता है, और ये विवाद पारिवारिक था या फिर पार्टी चंपाई सोरेन पर भरोसा करती है। और 2 फरवरी को चंपाई सोरेन झारखंड के 7वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही चंपाई सोरेन एक्शन में आते हैं और हेमंत सोरेन के विकास के कामों को आगे बढ़ाते हैं, और इसके अलावा कई महत्वपूर्ण फैसले भी लेते हैं जिसकी वजह से उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन चंपाई सोरेन की बढ़ती लोकप्रियता पार्टी के ही कुछ नेताओं को पसंद नहीं आ रही थी, और हेमंत सोरेन ने गठबंधन के कुछ दलों को भी चंपाई सोरेन का काम पसंद नहीं आ रहा था। सूत्रों के अनुसार लोकप्रिय हो रहे और कहीं ना कहीं हेमंत से ज्यादा ताकतवर और उनके समानांतर चंपाई सोरेन का कद होने लगा था, और यही चंपाई सोरेन के झारखंड मुक्ति मोर्चा से बाहर निकलने की बड़ी वजह बनी।